प्रभु गणेश प्रकट तो हो गए, परंतु क्या वो अब देव और असुरों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? श्री गणेश की लीला केवल श्री गणेश ही जानते। आप सब प्रथम पूज्य को भूल गए? जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा, उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे। संसार के इतने बड़े अनुष्ठान समुद्र मंथन से पहले आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि शुभ कार्य करने से पहले क्या विधि होती है। क्षमा कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कार्य आरंभ करने के उत्साह में ना जाने कैसे आपका स्मरण नहीं रहा। उत्साह और कार्य में ऐसे लीन हुए कि धर्म भूल गए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने भक्तों पर दया कीजिए। अब भूल हुई है तो दंड भी मिलेगा। प्रभु, हम पूर्ण विधि विधान से आपकी पूजा करेंगे। देवराज, असुरराज, मेरा मन तो भाव का भूखा है। ये प्रसन्न हो पाता है या नहीं, ये अब आप सबकी पूजा पर ही निर्भर करेगा। अद्भुत माँ, क्या उपाय ढूंढा है आपने? एक और गरुड़ का अहंकार उसको पतन के गर्त में ढकेल देगा, और दूसरी ओर वो बुढ़ा और उसका क्रोध छोटी माँ के जीवन में कष्टों की आंधी ले आएंगे। वाह माँ, आपकी बुद्धिमता पे गर्व है हमें। कभी कभी मुझे तुम दोनों की मूर्खता पर तरस आता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? क्षीर सागर के मंथन जैसा अवसर कभी कभी आता है जीवन में। राहुल ने मुझे पूरा विवरण तो नहीं बताया, किंतु यदि दानव स्वर्ग का राजपाट होते हुए भी देवताओं के साथ संधि करने के लिए तत्पर है तो इसका केवल एक ही अर्थ है। निश्चित रूप से मंथन के समय समुद्र से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पाने के लिए सब होंगे वहां पे, देव भी होंगे, दानव भी होंगे, यहां तक कि यह दासी पुत्र करुण भी होगा। परमा, शेषनाग भैया तो वही होंगे ना? नारायण के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए, और अब तो उसकी मित्रता भी हो गई है उस गरुड़ के साथ। तुम दोनों का साथ देने के लिए वो गरुड़ का अहित कभी नहीं करेगा, इसलिए आप उस गरुड़ को रोकने के लिए और मेरे पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए मुझे ही कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा पूरा ध्यान अपने पुत्र और उस बूढ़े पर होगा। ये तो होना ही था। अब स्वच्छ कर इसे, ऐसे देख क्या रही है? तेरी भूल को सुधारने के लिए मुझे किसी और दासी को बुलाना होगा क्या? तूने ये सब कुछ फैलाया है तो स्वच्छ भी तुझे ही करना होगा। जी। कहाँ जा रही है तू? यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक रसोई घर पहले की तरह स्वच्छ नहीं हो जाता। कदम भी मत हिलाना यहां से, पहले मेरा कार्य होगा, उसके बाद जिसकी जितनी सेवा करनी है कर लेना जाके। जी महारानी।
प्रभु गणेश को सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा बाबा, थोड़ी देर हो गई मुझे। आप लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तेरा प्रसाद दुखा। मुझे तो कुछ और। मैं प्रसाद का अनादर नहीं होने दूंगी बाबा। खाइए इसे। तू मुझे आदेश देगी? एक वृद्ध रोगी को बेहोश करेगी? मैं आपका आदर करती हूँ बाबा, पर यह प्रसाद मेरे प्रभु मेरे आराध्या विष्णु का है और वो मेरे लिए सबसे बड़े सबसे महान है। इसलिए इस प्रसाद को तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरी कुटिया में मेरे प्रभु के प्रसाद का अनादर नहीं होगा बाबा, और आप इस प्रसाद की महिमा को नहीं जानते। हो सकता है इसे खाने के बाद आपका रोग ठीक हो जाए। ना मुझे तेरे प्रभु पे विश्वास है, ना उसके प्रसाद पे। आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, मेरा विश्वास ही हम दोनों के लिए पर्याप्त है। एक बार इसे खाइए तो सही, शीघ्र ही आपके कष्ट। मेरे हाथों को देख, मेरे घाव में से पस टपक रहा है। मुझे प्रसाद की नहीं औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि बाबा, मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। तो जा कटपर्णी के फूल और पत्ते लेकर आ, उन्हें पीस कर लेप बनाना होगा। जा। जी। और जल्दी आना, वही मत मर जाना। जा। क्या हुआ प्रभु, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई क्या? मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो आप सबने अर्पित ही नहीं की, उसके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी और मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है
जो प्रभु गणेश को इतनी प्रिय है और फिर भी इन्हें अभी तक अर्पित नहीं की गई। प्रसाद में इतने अच्छे लड्डू है तो फिर ये घास क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण घास नहीं है गरुड़, ये दुर्वा है, प्रभु गणपति को सबसे अधिक प्रिय है। मैं समझ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अब तक हमने प्रभु गणेश को अर्पित नहीं की। तो आपने प्रसाद ग्रहण कर ही लिया। प्रसाद होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो खीर है। जल्दी जल्दी ले बना। जैसा समझ रहे हो वैसे नहीं है ये बाबा। हम ये बाबा जो भी कहता है और जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नुमल चुप हो जाओ, तुम कितनी बात करते हो। दक्षकालिया, तुम दोनों को विंता पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। इसके पल पल की सोचना चाहिए मुझे। जी मां। लगता है अहंकार ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसे क्या लगता है माँ, जो गणेश इतनी सारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हुए वो इस साधारण सी घास से प्रसन्न हो जाए? प्रभु गणपति जी की लीला अपरंपार है। तरह तरह की वस्तुएं उन्हें प्रसाद में चढ़ाई गई पर वे उनसे प्रसन्न नहीं हुए और साधारण दुर्वा से प्रसन्न हो गए। भगवान सदैव साधारण वस्तु से ही प्रसन्न होते हैं शेष, क्योंकि उनके लिए वस्तु से अधिक मूल्य उसे अर्पित करने वालों की भावनाओं का होता। ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान सामान्य जनमानस के हित के लिए दिया ताकि किसी को यह भ्रम ना हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन धान्य की आवश्यकता होती है। मैं कंदली के एक फल से भाव विभोर हो जाता हूं, लक्ष्मी पुष्प पाके खिल उठती है, महादेव शिव बेल पत्र से आनंद पा जाते हैं, देवी पार्वती केवल सिंदूर से प्रसन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार गणपति के हृदय में स्थान पाने के लिए केवल दुर्वा घास ही पर्याप्त है। अद्भुत प्रभु, भगवान की भक्ति पर केवल धनवानों का ही पहरा ना हो, निर्धन भी बिना किसी भेदभाव के अपने आराध्य से आशीर्वाद पा सके, इसका कितना सुंदर प्रबंध किया है ऋषि मुनियों ने। इनके ज्ञान को और भगवान की साध्यता को कोटि कोटि प्रणाम।
पूजा संपन्न हुई, मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब बताइए क्या इच्छा है आप सबकी? प्रभु, आप तो सबको जानते हैं, कितने कष्टों के बाद क्षीर सागर को मथने के लिए मथनी यहां तक आ पाई थी, पर पता नहीं कैसे वो मथनी समुद्र में डूब गई। प्रभु, बस यही आशीष चाहिए आपसे। मथनी को ऊपर लाना कैसे संभव होगा ये बता दीजिए प्रभु, ताकि मंथन शीघ्र आरंभ हो सके। क्षीर सागर का मंथन विचारों के मंथन की तरह होता है। जैसे विचारों को मथने के लिए पहले मस्तिष्क को स्थिर करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्षीर सागर को मथने के लिए पहले इस मथनी को स्थिर करना होगा। अद्भुत बाबा, आपका ये लेप बहुत लाभदायक है, मेरे सारे छाले ठीक हो गए। इतना ही लाभदायक लेप होता तो मेरे काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे परमपिता विष्णु पर पूरा विश्वास है और आपको नहीं। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ही प्रभु को हमारा हित करने के लिए प्रेरित करती है बाबा, इसलिए मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और आपके नहीं हो पाए। पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ना। कितनी बोली हो तुम बिंदा, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला मैं ही हूं। ये तो गुरु दत्तात्रेय है ना प्रभु? तो तुमने भी पहचान ही लिया शेष? हाँ, ये गुरु दत्तात्रेय ही 1200 वर्षों तक इन्होंने घनघोर तपस्या करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। तब तो इनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, परंतु ये विंदा माँ के यहाँ क्यों आए हैं और बात बात पर इन्हें ऐसे प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? जिसे तुम प्रताड़ना कह रहे हो शेष, ये जीवन की चुनौतियां सिद्ध गुरु समय समय पर साधारण जनों को ये चुनौतियां देते हैं ताकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो सके और कष्टों की अग्नि सहकर उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है शेष, यदि देवी विंता इस परीक्षा में सफल हुई तो गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से न केवल उनके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे बल्कि उनके दोनों पुत्रों अरुण और गरुड़ के जीवन में भी सुख की वर्षा होगी। प्रभु, आपकी कृपा से विंता माँ को इनका आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो गया। फिर कैसे प्रभु? तुम मथनी तो ले आए गरुड़, पर ये भूल गए कि इस मथनी के नीचे भी कुछ होना चाहिए जो स्थिर हो, ठोस हो, जो इसका भार भी सह ले और इसे घूमने में सहायता भी कर पाए। प्रभु, ऐसी वस्तु कहाँ मिलेगी जो इसे स्थिर रखते हुए भी घूमने में सहायता कर पाए? आप मुझे बताइए, मैं इसे क्षण जाऊंगा और उस वस्तु को यहाँ ले आऊंगा। जब मैं पूरा मंद्राचल पर्वत ला सकता हूं तो मैं मथनी के लिए डोर भी लाऊंगा। प्रभु, गणेश जी ने बताया था कि विचारों का मंथन भी क्षीर सागर के मंथन जैसा ही होता है, फिर भी ये इतना विचार नहीं कर पा रहे हैं कि
इनके अहंकार से मंदरांचल पर्वत तो क्या, ये अपने अस्तित्व को भी नहीं उभरने देंगे। और सबसे दुखद तो यह है प्रभु कि अहंकार के चक्रव्यूह में गरुड़ भी डूबता जा रहा है। ये अनर्थ हो रहा है प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए इन पर। वो क्या है और कहां से मिलेगी इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। हे विघ्नहर्ता, यदि आप हमारे विघ्न नहीं हरेंगे तो और किसमें यह सामर्थ्य है। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, केवल ये विघ्न ही नहीं, इस मंथन के पूरा होने तक जितने भी विघ्न आएंगे वो सभी आपके प्रयासों से दूर हो जाएंगे। पर इस समस्या के समाधान के लिए आपको प्रभु विष्णु से ही सहायता मांगनी होगी। आप सबका कल्याण हो। समाधान यदि विष्णु को ही करना था तो समस्या क्यों थी? तुम तो ऐसे कह रहे हो वज्रांग जैसे उन्होंने ये जानबूझकर किया है। जितनी शीघ्रता तुम अमृत पाने की है उससे कहीं अधिक आतुरता प्रभु विष्णु को माता लक्ष्मी से मिलने की है। गरुड़ सही कह रहा है वज्रांग, इस समय तर्क वितर्क में उलझने के स्थान पर हमें प्रभु विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हम असुरों के आराध्य महादेव शिव शंकर है, ये सब जानते हैं। सत्य तो ये है असुरराज कि ये पक्षपात आप असुर लोग करते हैं। हमारे लिए तो महादेव भी उतने ही वंदनीय हैं जितने की प्रभु विष्णु। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्थ हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। शिव और विष्णु स्वयं एक दूसरे के लिए वंदनीय हैं। तो फिर विलंब किस बात का, हम सभी मिलकर प्रभु विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयागमयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। प्रणाम स्वीकार करें नारायण। ब्रह्मदेव, आप दोनों को मेरा प्रणाम। हे नारायण, संसार के हित के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए आप अगला अवतार धारण करें प्रभु। प्रभु का अगला अवतार? समुद्र मंथन की इस अद्भुत घटना का उद्देश्य केवल समुद्र तल में छुपे अनमोल रत्नों को निकालना नहीं है और ना ही देवी लक्ष्मी का प्रभु से मिलन इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसका लक्ष्य तो कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लक्ष्य है पवित्र आत्माओं की रक्षा करना, दुष्ट आत्माओं का सहार करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म को सशक्त कर उसकी फिर से स्थापना करना। और जब जब ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है प्रभु विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं।
पर मेरा कोई भी अवतार ब्रह्मदेव और महादेव के साथ के बिना संभव ही नहीं। त्रिदेवों के संगम से ही एक ऐसे अवतार का सृजन संभव हो पाता जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालने के योग्य हो। प्रभु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा, कृपा करके बताइए ना क्या होगा आपका अगला अवतार। यह है मेरा नया अवतार कच्छप, जो मंदराचल पर्वत का आधार बनेगा। छोटा सा कश्यप इतने बड़े मंदरांचल पर्वत को स्थिर रखने में सहायता कैसे कर पाएगा प्रभु? मैं तुझे कितना डांटता हूं, कितना फटकारता हूं, किंतु फिर भी तू मेरे समीप ही बैठा रहता है। तू मेरा परम मित्र है। इस संसार में तेरे सिवाय कोई और है क्या जो मनुष्य का साथ दे? वेद, क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबा। क्या कुछ नहीं? मुझसे शब्द निकला तो कुछ सोच के ही निकला ना। फिर से बोल जो बोला। बाबा, मैं अधिक तो नहीं जानती, पर मुझे लगता है यदि कोई वेदों को एक बार पढ़ ले तो चारों वेद और उनमें समाया ज्ञान कभी भी हम मनुष्यों का साथ नहीं छोड़ता। इस श्वान की तरह वेदों की वाणी भी अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहती है। जब हम किसी संकट में फंस जाएं, तो उसे सुलझाने में हमारी सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है। हम भले ही उसे भूल जाएं, पर वो हमें कभी नहीं भूलती बाबा। मन का स्वर बनकर सदैव हमारे साथ चलती है। अब मुझे टुकड़ टुकड़ देखती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये लीजिए। बाबा, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होगा? आज आपने ना कोई तर्क वितर्क किया, ना मेरी बात को काटा, ना मुझे डांटा, और ये फल और दूध भी बिना क्रोधित हुए स्वीकार कर लिए और उसे खा भी लिए। जब ऋतुएं बदलती रहती है, सागर में जवार बांटा और प्रकृति में दिन रात नित्य नियम से बदलते रहते हैं, तो मैं एक समान कैसे रह सकता हूं? वैसे भी
आज मुझे बड़ा सुखद आभास हो रहा है। मुझे भी बाबा, ऐसा लग रहा है केवल ये कुटिया ही नहीं, पूरा वातावरण किसी दिव्य शुभ ऊर्जा से भर गया है। सारे संकट समाप्त होने वाले हैं, हर दुख दूर होने वाला है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें कोई ऐसा संकेत करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। दीजिए देवगुरु, आपके प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली, भेज दी सहायता। ये सहायता भेजी है या उपहास किया है? अग्निदेव, भगवान विष्णु ने तो कोई सहायता ही नहीं की, अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव, हमने सहायता मांगी और प्रभु स्वयं आ गए। अवतार लेकर। प्रभु स्वयं आ गए अवतार लेकर? गरुड़ सत्य कह रहा है, ये कोई साधारण कच्छप नहीं है, स्वयं प्रभु नारायण के अवतार हैं। वो देखिए, प्रभु ने कुर्म अर्थात कच्छप के रूप में दूसरा अवतार लिया है, कुर्मा अवतार लिया है प्रभु ने। कच्छप कहाँ चले गए? कहीं प्रभु रुष्ट तो नहीं हो गए हम सबसे? ये कच्छप कहाँ चला गया? ये क्या लीला है प्रभु की? अब ये मंथन कैसे संपन्न होगा? नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम।
कंठे कंधी मदस्थे करुणा वरुणालय उलाचल समुद्रता कुंडली इंद्र स्माश्रय कठोर पृष्ठ है कुद्र है कुलशीकृत सागर है कल्याण मूर्ति है ऋतु भूख प्रार्थना धृत विग्रह प्रभु आपने कुर्मा अवतार में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को तो स्थिर कर दिया परंतु मां ने बताया था कि आपके प्रत्येक अवतार का आध्यात्मिक अर्थ होता है हम सभी को वर्त समझा कर कृपा कीजिए ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है प्रभु तुम दोनों भाइयों की जिज्ञासा एक समान ही है शेष ये जिज्ञासा केवल शेष नाग और गरुड़ में ही नहीं मेरे मन में भी है नारायण और नारद तो इस बात से व्याकुल हो रहे हैं कि उनसे पहले यह प्रश्न किसने पूछ लिया समुद्र मंथन विचारों के मंथन का प्रतीक है और विचारों को मथने के लिए स्थिर मस्तिष्क की आवश्यकता होती है ये कूर्म अर्थात कछुआ स्थिरता का प्रतीक जब कभी इसके आसपास के वातावरण अशांति छाती तो ये अपने आवरण के भीतर चला जाता उसी प्रकार जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हम सभी को अपने भीतर झांकना चाहिए क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अपनी अंतरात्मा से उत्तम समाधान और कोई नहीं दे सकता आपके दर्शन करके मन सदैव की तरह प्रसन्नता से भर उठता है प्रभु हे नारायण अब हमें जाना होगा आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव महादेव आप दोनों तो जानते ही हैं आप दोनों की सहायता के बिना क्षीर सागर का मंथन करना संभव ही नहीं है आप निश्चिंत रहे नारायण ये मंथन आपकी इच्छा से ही हुआ है प्रभु और आपकी इच्छा पूर्ण करने में योगदान देना हम सबका सौभाग्य है नामोच्चारण आगे जब भी आवश्यकता होगी हम सहायता अवश्य करेंगे आज्ञा दें शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं ग
गगन सदृशम मेघवर्णम। प्रभु शुभांगम, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। उस प्रश्न की जिज्ञासा से केवल तुम ही पीड़ित नहीं हो शेष, तुम्हारे भाई गरुड़ के मन में भी वही प्रश्न है। प्रभु विष्णु के कुर्म अवतार के कारण मंदराचल पर्वत तो स्थिर हो गया, परंतु इसे मथने के लिए वो डोरी कहां से आएगी जो इतने विशाल पर्वत को अपने धुरी पर घुमा सके। ऐसे डोर की आवश्यकता होगी जो इस पर्वत की मथनी को चारों ओर से बांधने के बाद भी इतनी लंबी हो कि हम दोनों ओर से इसके सिरे को पकड़कर खींच सकें। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बार बार लगातार पर्वत पर घिसने के बाद भी दुर्बल ना हो और ना ही टूटे। आप दोनों ने बाहरी और शारीरिक गुण के बारे में तो बता दिया, पर जिसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता है उसका हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध होना, अन्यथा वो प्रभु के इस विराट रूप के सामने जा नहीं सकता। परंतु ऐसा कौन हो सकता है मुनिवर? पूरी सृष्टि में केवल एक ही प्राणी है जो इन सब गुणों से युक्त है, जो इस मथनी की डोर बनने के योग्य है। और वो है वासुकी। वासुकी, मेरा भाई? नारद ने बिल्कुल सही कहा है शेष, इस कार्य के लिए वासुकी से अच्छी डोरी और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, इसलिए आज मैं और तुम एक साथ हैं। पर वासुकी आज भी अपने आराध्य के दर्शन की, उनके सामीप्य की प्रतीक्षा कर रहा। महादेव ने कहा था शेष, इस मंथन का उद्देश्य समुद्र तल में छुपे रत्न पाना, देवी लक्ष्मी को लौटाना या अमृत पाना ही नहीं, जो भी पूरे मन से इस अनुष्ठान में अपना योगदान देगा, वह चाहे देव हो, मानव हो, दानव हो या कोई और प्रजाति, उसके हृदय की सबसे बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो क्या इस मंथन के माध्यम से महादेव और वासुकी का मिलन संभव है प्रभु? हाँ शेष, ये मिलन अवश्य होगा, पर कब और कैसे ये तो समय ही बताएगा। तुम वासुकी कहलाओगे पुत्र। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। कितना समय बीत चुका है अपने भाई को देखे हुए, मिले हुए, किंतु आज उसका नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे कल की ही बात है जब हम दोनों भाई घर त्याग करके निकले थे ताकि अपने अपने आराध्य की साधना और सेवा कर सके। जो संबंध हृदय से जुड़े होते उनकी यही विशेषता होती, वो समय और स्थान की बेड़ियों से मुक्त होते, जब दूर होते तो ऐसा लगता कि कितना समय बीत गया, सब कुछ बदल गया हो, पर जैसे ही निकट आते तो ये आभास होता कि कुछ संबंध कभी नहीं बदलते। वासुकी ने वर्षों तक महादेव की तपस्या करके इतना तेज और बल अर्जित किया है कि वो इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। सत्य वचन मुनिवर, सत्य वचन। फिर तो मैं शीघ्र ही जाके उन्हें यहां ले आता ताकि शुभ कार्य में और अधिक विलंब ना हो। हमने इस पक्षी के अंदर अहंकार की भावना को जगा दिया है, अभी स्वयं अपना पतन कर लेगा।
वैसे भी जब से शेषनाग भैया ने मुझे वासुकी भैया के बारे में बताया है, उनके दर्शन करने के लिए मैं उत्सुक भी हूँ। जब वो यहाँ आए तो दर्शन कर लेना, क्योंकि मैं उसे लेकर आऊंगा यहाँ। तुम क्यों जाओगे देवराज? वासुकी मेरी तरह शिव भक्त है, उससे मिलने मैं ही जाऊंगा। जब तक आप दोनों तर्क वितर्क करके किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, तब तक तो मैं उन्हें यहां लेकर भी आऊंगा। ये गरुड़ क्या कर रहा है? इसके स्वर में अब अपने बड़े भाइयों के लिए अपमान उभर कर आ रहा है। प्रभु, गरुड़ ने मद्रांचल पर्वत क्या उठा लिया? इसका तो स्वर हाव भंगिमा, हाव भाव सब कुछ ही बदल गया। किसी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए पहल करना अच्छी बात है, परंतु उसका प्रदर्शन करना अनुचित है। सत्य कह रहे हो शेष, पर गरुड़ को तो इस बात का आभास तक नहीं हो रहा कि अब उसके मुख से आत्मविश्वास नहीं अहंकार बोल रहा है। अब तो बस यही आशा है प्रभु कि कोई शीघ्र इसे इसकी भूल समझा दे। ये कार्य इतना भी आसान नहीं है गरुड़। जो पूरा का पूरा पर्वत उठा सकता है, उसके लिए एक नाग को उठा कर लाना कौन सा कठिन कार्य है मुनिवर? नहीं राम, कहीं ये वासुकी को गिरा ना दे, जैसे इसने अन्य नागों को गिरा दिया था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा दीदी माँ। मुनिवर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, वो भी किसी और से कहीं अधिक शीघ्र। मंद्राचल पर्वत को भले ही मैं यहाँ पर उठा कर लाया, परंतु इसे मथना तो देवता और दानव को ही है। गरुड़ तो अहंकार में डूबता ही चला जा रहा है। इसीलिए जब तक मैं डोरी यहाँ पर लाता हूँ, तब तक आप सब मिलकर ये विचार कीजिए कि जिस पर्वत को आप सब मिलकर हिला तक नहीं पाए, उसे मथेंगे कैसे? प्रभु, ये गरुड़ अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? क्या ये अपने माँ के दिए हुए संस्कारों को भूल गया है? गरुड़ संस्कार भूल गया है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी शेष, पर हाँ, शिष्टाचार अवश्य भूल गया। ऐसा लग रहा कि अहंकार ने गरुड़ के मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लिया। वासुकी को आमंत्रित करने से पहले हमें कदरू की अनुमति लेनी होगी। विमाता कदरू की अनुमति? पर वो क्यों माँ? जहां तक मेरी जानकारी है, वासुकी बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर जा चुका था, अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका है। पुत्र यदि अपनी माँ से दूर जा चुका है या अपना घर छोड़ चुका है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो अब अपनी माँ का पुत्र रहा ही नहीं। समुद्र मंथन के इस महायज्ञ में देवता मेरे आशीर्वाद से और असुर दीति के आशीर्वाद से सम्मिलित हुए हैं, यहाँ तक कि गरुड़ भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ आया है, तो हम कदरू को इस सम्मान से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं देवी, माता पिता और गुरु की आज्ञा के बिना किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। क्या हुआ गरुड़, अब नहीं जाना तुम्हें अपनी कदरू माँ के पास? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि वो अपने दास की बात ही नहीं मानेंगी? नहीं देवराज, मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ हाँ, अवश्य जाइए,
सत्य तो यह है कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो अवतार पुरुष गरुड़ न कर पाए। राहु बार बार गरुड़ की प्रशंसा करके उसके अहंकार को बढ़ावा दे रहा है। मुनिवर, गुरुदेव, अदिति मां, दिति मां, आज्ञा दीजिए। प्रभु, राहु और दिति मां ने गरुड़ के अहंकार को चुनौती देकर उसे मेरी मां के पास तो भेज दिया है, और वो है तो उनका दास ही। इसलिए क्या यह संभव है कि वो वासुकी को आज्ञा देने से मना कर दे? संभव तो है शेष, पर यह देखना भी रोचक होगा कि गरुड़ उनकी ना को हां में कैसे बदलता है। सत्य कहूं शेष, मुझे नहीं लगता कि गरुड़ इस बार अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तब तू जब से ये बाबा यहाँ आया है तब से तो पूरे महल का वातावरण ही बदल गया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से अपनी आंखों से मैंने चमत्कार देखा है ना, मेरे मन में तो पूरे विचार आने ही बंद हो गए। हाँ, जब जब मैं माँ को, कालिया भैया और तक्षक भैया को विंता माँ और गरुड़ के विरुद्ध कुछ भी कहते सुनता हूँ, मेरे कानों से तो धुआं ही निकल जाता है। अरे, मायावी बाबा है कौन? दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान। प्रणाम बाबा। कल्याण। ये वास्तविकता है या कल्पना है? जो तुमने देखा वो तुम्हारी कल्पना हो सकती है, किंतु उससे वास्तविकता तो नहीं बदलती। पर बाबा, आपने हम पापियों को दर्शन, चलो तुम दोनों ने स्वीकार तो किया कि तुम दोनों पापी हो। अपने कर्मों को स्वीकार करना ही प्रायश्चित की ओर पहला पग है। तुम दोनों केवल अपने इस जन्म के कर्म देख रहे हो, किंतु मैं तो तुम दोनों के बीते हुए जन्मों का और आने वाले जन्मों का लेखा जोखा देखकर ही दर्शन दे रहा हूं। पर बाबा, अब इस कुटिया में प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तुम दोनों को मेरे सुख की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु एक बात का स्मरण रहे, मैं कौन हूं ये सत्य न तो तुम्हारी माता जी को और ना ही विंता को पता चलना चाहिए। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया हूं, जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक ये सत्य तुम दोनों को छुपा कर रखना होगा। जो आज्ञा बाबा। कल्याण। करूड़, करूड़,
तो इतना बड़ा कब हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। मेरा नहीं, प्रभु विष्णु का आशीर्वाद क्या है। सही कहा। अच्छा माँ, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। होगा, पर पेट पूजा भी तो आवश्यक है। देख तो सही कितना दुर्बल हो गया है तू। तो चल भोजन कर ले, हाँ कुछ खा। माँ, भोजन करने का भी समय नहीं। भोजन करेगा तभी तो बुद्धि चलेगी ना। तो चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? करुण, तू जिस दिन गया था ना, उसी दिन वन में मुझे एक वृद्ध बाबा मिले थे। दयनीय स्थिति में थे, तन रोग से त्रस्त था, ना भोजन का आसरा था ना दो घूंट जल का, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई। फिर तो मुझे इन बाबा से अवश्य ही। दासी! मारुकी, मैं जाता हूँ। वैसे भी महारानी से मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है, बाबा से बाद में मिलूंगा। तुझे कद्रू दीदी से क्या कार्य है? ये सब बताने का समय नहीं है माँ, और वहाँ मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी, और ये कार्य करके मुझे उन सबको सिद्ध करना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलता हूँ। प्रभु के कार्य के लिए उत्सुक भी है और तत्पर भी, किंतु बाबा से एक बार मिल लेता तो उनका आशीर्वाद वहीं से मिल जाता। ये क्या प्रभु, गरुड़ ने गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद नहीं लिया? यदि ले लेता तो हो सकता है कि वो एक कठिन कार्य पूरा कर पाता। गुरु दत्तात्रेय के दर्शन मिलना इतना आसान नहीं है शेष। जिसके मन में अहंकार का बीज पनप रहा हो, उसके पास तो उनकी छाया तक नहीं पहुंच सकती। अहंकार के बीज के कारण यदि वो इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह गया है प्रभु, तो न जाने अब आगे क्या क्या होगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा जिससे जिससे ये अहंकार टूट पाए। अवश्य, पर उस उपाय तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन। गरुड़ के साथ ये खेल नियति खेल रही, केवल वही जानती कि गरुड़ इस कठिन मार्ग पर चल पाएगा या नहीं। महारानी, प्रभु के कुर्मा अवतार के कारण मथनी तो स्थिर हो गई, परंतु मथनी को घुमाने के लिए एक डोर की आवश्यकता है, और सभी को यही लगता है कि इस कार्य के लिए वासुकी भैया से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं है। वही क्यों, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। और मैं भी। इन्हें कैसे बताऊं कि ये दोनों इतने शुभ कार्य के लिए योग्य नहीं। क्षमा चाहता हूं, परंतु मथनी की डोर बनने के लिए जब तब व्रत से अर्जित की गई शक्तियां भी आवश्यक है, और मन से शुद्ध होना भी अनिवार्य है। अनुशासन के बंधन के लिए मेरे पुत्री क्यों? ये सारे नियम उस समय का हाथ है जब स्वयं नारद मुनि ने तुम्हें मदरांचल पर्वत उठाने की आज्ञा दे दी थी। वो सब तो मैं नहीं जानता महारानी, परंतु इस समय केवल इतना ही जानता हूँ कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन के लिए समुद्र मंथन बहुत ही आवश्यक है, और ये तभी आरंभ हो सकता है यदि आपने वासुकी भैया को मथनी की डोर बनने के लिए आज्ञा दे दी। तो यदि इस मंथन का फल केवल प्रभु और देवी लक्ष्मी का मिलन होता तो ये कार्य करने के लिए देवता उत्साहित रहते, किंतु असुर कभी नहीं। अवश्य ही किसी लाभ का लोभ उन्हें वहां खींच रहा है। क्या है वह? अब तो मां की तरह पुत्र भी सत्य छुपाने लग गया। मां ने कौन सा सत्य छुपाया महारानी? इतना अनभिज्ञ होने का स्वांग मत रच मेरे सामने। यहां आने से पहले तू अपनी मां से नहीं मिला? तूने स्वयं नहीं देखा कि वो किसी मार्ग के बूढ़े भिखारी को उठाकर मेरे महल में ले आई है? और अब अतिथि देवो भव बोलकर उसे कुटिया से निकालने को तैयार नहीं है वो। मार्ग का भिखारी? परंतु मां ने तो। बातों में मत भटका, या तो साफ साफ बता दे कि मंथन का सत्य क्या है, या फिर अमृत भी प्राप्त होगा इस मंथन से।
समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न हो जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। तो इसलिए देवता और असुर मिलकर मंथन करना चाहते हैं ताकि अमर हो सके। पर मेरे पुत्र इस अवसर से क्यों वंचित रह जाए? इस अमृत पर केवल मेरे पुत्रों का अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगी।